सभी सनातनी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रमा एकादशी के व्रत की कि हम लोग ये व्रत कैसे करें। 9 नवंबर को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी 9 नवंबर को होगी। इसके पारायण का भी समय हम आपको बता दें, पारायण का भी समय सुन लें आप, 10 तारीख को 6:32 से 9:35 तक हम ये व्रत कर पारायण कर सकते हैं 10 तारीख को। अब नियम क्या है, हम व्रत कैसे करें, 9 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और हाथ में जल लें, संकल्प करें, अपना नाम अपना गोत्र याद करें। अगर आपको अपना नाम याद गोत्र याद नहीं है तो हम वहाँ कश्यप गोत्र कहकर भी इस व्रत को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो संकल्प करें कि हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे, इस बात का ध्यान करके संकल्प अवश्य किया करें, इसी से हमारा वो व्रत वो फल हमको प्राप्त होता है। रमा एकादशी के व्रत का बड़ा महात्म्य, पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। इस दिन यह सभी पापों को नाश करने वाला है, पुण्य देने वाला है। इस दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक संकटों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें रमा एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। हम आपको बता दें, इसमें एक और कथा आती है, राजा मुचकुंद की बेटी है जिनका नाम है चंद्रभागा, उनके पति हैं शोभन, उनका तन बड़ा बहुत दुर्बल था, वो व्रत नहीं कर सकते थे, पर मुचकुंद महाराज के यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रभाव था एकादशी व्रत का। वो तो कहते थे कि भैया पशुओं को भी एकादशी रखना होता, उस दिन पशुओं को भी अन्न नहीं देते थे, ऐसा वो था वहां पे। तो पत्नी के मना करने पर भी पति ने वो फिर व्रत किया और व्रत करने का निश्चय किया और उन्हीं रमा एकादशी के व्रत में उनके प्राण चले गए। पर उनकी पत्नी बड़े ध्यान से वो एकादशी का व्रत करती रही, उनको फिर एक राज्य का राज्य बना दिया, देवताओं ने राजा बना दिया, और फिर वो पत्नी भी 11 का एकादशी का व्रत आदि का पुण्य अपने पति को दिया, ये पूरी कथा है इसकी। और फिर वो अपने पति पत्नी दोनों ही सुख से आनंद से वहाँ पर रहने लगे, ये कथा है। पर आज हम जो इस विशेष बात बताने जा रहे हैं इस एकादशी के व्रत में, क्योंकि इसी रमा एकादशी व्रत से ही दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। 10 तारीख को ही ये उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे, 9 तारीख को एकादशी। इसका नाम है रमा एकादशी, रमा नाम है लक्ष्मी जी का। जिनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव हो, संकट हो, धन संपदा नहीं आती हो, उनको एक उपाय एकादशी के ही दिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कौड़ियां होती हैं कौड़ियां, उन कौड़ियों को 11 कौड़ियां लो, उसमें हल्दी का और केसर का लेप लगाकर दीपावली दिन, दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। और जब उसे आप माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देंगे, करेंगे दीपावली को, लेप कब लगाएंगे, एकादशी को, रमा एकादशी को लेप लगाएं, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। जब आप माँ लक्ष्मी को वो 11 कौड़ियां चढ़ा दें, दूसरे दिन पीले या लाल वस्त्र में बांधकर, मोस्टली पीले वस्त्र में बांधकर उसे आप तिजोरी में रख दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो हमको लगता है कि आपके धन में धनतेरस के दिन से ही वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। जैसे ये लेप करेंगे, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे दीपावली के दिन, तभी से आपके धन की वृद्धि होने लग जाएगी। तो एकादशी का व्रत आप कीजिए और साथ में ये उपाय भी कीजिए, जिससे आप सबके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।